एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया, काजी साहब के पास आया, अफसोस हुआ, बोला काजी साहब बीवी को तलाक दे दिए, कोई रास्ता निकालिए। तो काजी साहब बोला कोई रास्ता नहीं, चल भट तलाक हो गई जो। बोला नहीं कोई रास्ता निकाला, ओ कोई रास्ता चे, बोला कोई रास्ता नहीं चल। तो नौजवान निकाला पॉकेट से 10,000 का गड्डी, काजी साहब के आगे रख दिया, बोला काजी साहब कोई रास्ता निकालिए। बोला अच्छा रुको रास्ता है। तुमने अपनी बीवी को तलाक कैसे दिया? बोला हजरत हमने अपनी बीवी को बोला कि तलाक तलाक तलाक। तो काजी साहब बोले तुमने कुत्ते वाली तेज से बीवी को तलाक दिया है, इसलिए तलाक कुत्ते वाली तेज से तलाक नहीं है, तलाक असल में है तलाक तलाक तलाक, इसलिए तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं दी, जाओ आराम करो। मसला हल हो गया ना भाई? भाई मसला हल हो गया। बखील का पैसा कहाँ जाता है? चंदा लेने गया मदरसा वाला, बोला अब्दुल वहाब भाई मस्जिद तैयारी हो जाए चंदा दो, बोले मुड़ी खाएगा पैसा नहीं जी, कहाँ से पैसा? बोला जो मकई जो बेच लो। बोले कहाँ? वो तो कर्जा उर्जा वाला के बराबर भाग लो, पैसा नहीं चुका। अब 35,000 टका ला के मकई बेच के बीवी को दिया, ए फुदी की माँ, एक अलमारी में रखे, बीवी ली अलमारी में रख दी। और जो चोर था वो बाजार में लग गया था कि ये 35,000 का मकई बेचा है, वो चोर को पता लगा लिया कि ये घर कहाँ है, ये बस्ती में घर है, यही घर है, दिन में आया चक्कर लगा के चला गया। रात में चोर आया घर में सीन खोदा, घर के अंदर घुसा, देखा अलमारी के ऊपर में लिखा हुआ था हाजा मिन फदले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। पढ़ा लिखा चोर था, जाहिल चोर नहीं था। चोर बोला अच्छा हाजा मिन फदले रब्बी लिखवे लो, ये मेरे रब का फजल है। ये चोर अलमारी का ताला तोड़ा, अब 35,000 रुपए निकाला, जो निकालना था निकाल लिया। अब वो हाजा मिन फदले रब्बी का स्टिकर जो था वो तो छोड़ा दिया, आ इन्नल्लाह मा साबिरिन लिख करके चिपका दिया। मस्जिद किसका घर है भाई? भाई बोलो भाई किसका घर है? अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है, वो अल्लाह जो हमें खिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सोला रहा है, वो अल्लाह जो आज जिंदगी दिया है, कल को वो अल्लाह मौत देगा, फिर अपने कटघरे में मेरा रब खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है मेरे लिए क्या लाया है, मेरा बंदा दुनिया से आया है मेरे लिए क्या लाया है। तो आप क्या जवाब दोगे नौजवानों? क्या कभी तुमने सोचा है कि मेरी नमाज कजा हो रही है? तुमने गौर किया कभी? गौर किया? मस्जिदों में अजानें होती है, मुअज्जिन अजान पुकारता है, तुम मोबाइल में लगे रहते हो, मुअज्जिन अजान देता है तुम सोए रहते हो, मुअज्जिन अजान देता है तुम काम करते रहते हो, तुम्हें कुछ खबर भी है कि मरना भी है? भाई खबर भी है, अभी ट्रेन हादसा हुआ उड़ीसा के अंदर में बालासोर में, भाई पता आप लोगों को? भाई पता है बालासोर में उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ, कोरोमंडल एक्सप्रेस। अब कितने लोग मरे? सरकारी रिपोर्ट तो यह है कि 380 या 280 लोग मरे हैं, लेकिन वहां के लोग मकामी लोग कहते हैं कि कई हजार लोग मरे। क्या खबर क्या पता वो लोगों को था कि हम आज ट्रेन में सफर कर रहे हैं, फिर हम जिंदा घर लौट पाएंगे कि नहीं। ना जाने किसका लाडला चला गया, ना जाने किसका लखते जिगर चला गया, ना जाने कौन कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनों की सुहाग उजड़ गई। नौजवानों किसी को पता था? किसी को खबर थी? तुमने सोचा कि तो हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है, हमें जिंदगी गुजारनी कैसी चाहिए थी? तुम शराब में मस्त हो, नशे में मस्त हो, तुम्हें तो पता भी नहीं कि हराम क्या है हलाल क्या है, मनमानी जिंदगी गुजार रहे हो। अल्लाह को जवाब देना भी है कि नहीं है?
भाई अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं देना? क्या जवाब दोगे? अल्लाह तो पूछेंगे ना, अल्लाह तो पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया में मैंने तुम्हें पैदा किया, बेशुमार नेमतों को तुम्हारे ऊपर मैंने निछावर किया, इसका क्या हक अदा किया, मुझे जवाब दे। क्या जवाब दोगे? आज तो नशे की आदत हमारे नौजवानों को ऐसी हो गई है, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारा नौजवान हमारा बच्चा नशे से परेशान। उसकी टेबलेट छिका भी नशा का, शराब बंद है बिहार में, शराब बिहार में बंद है, लेकिन बंद होने के बावजूद भी शराब मिल रहा है। और जिसको शराब नहीं मिल रहा वो टेबलेट खा रहा, वो टेबलेट का नाम है नेटरा भेट। की नाम जी को नेटरा भेट, बच्चा सबको पता है। मेरे नौजवान तौबा करो, नशे से तौबा करो, शराब से तौबा करो। इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि शराब पीने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, शराबी जन्नत में नहीं जाएगा, शराबी जन्नत में नहीं जाएगा, नशा करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तौबा करो। ना जाने कितने घर उजड़ गए नशे की हालत में, नशे की लत से। अरे उम्रें घट जाती है, अल्लाह तेरी रोजी में कमी कर देगा, घर से रवनक उठा लेगा, जिंदगी छोटी हो जाएगी, नशा से तौबा करो। इंशाल्लाह करोगे नशे से तौबा?